और इसी के साथ चलते हैं एक और खबर की ओर जो कि भोपाल से ही मिल रही है। वैक्सीनेशन सेंटर भोपाल में 170 बनाए गए हैं, जहां पर आज टीका लगेगा। तो राजधानी में 170 जगह आज वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। राजधानी के हर वार्ड में 2 सेंटर्स हैं। आईडी दिखाकर आप टीकाकरण करा सकते हैं। बता दें आपको, राजधानी में 170 जगह कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। राजधानी के हर वार्ड में 2 कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर आप आईडी दिखाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 170 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। हर वार्ड में 2 कैंप्स लगे हैं, जहां पर जाकर आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी आईडी अपने साथ लेकर जाएं, जिसे आप दिखाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, आज राजधानी में 170 जगह टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, हमने बता दिया, राजधानी भोपाल में आज 170 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक वार्ड में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। भोपाल की बात करें तो राजधानी में 85 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, यानी कि 170 वैक्सीनेशन वार्ड केंद्र बनाए गए हैं। और उसमें महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। लोग जहाँ सेंटर पर जाकर अपना आईडी दिखाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वही नगर निगम कमिश्नर भी है, पुलिस थाने में भी जोनल के अधिकारी, जोनल प्रभारी जो अधिकारी रहते हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर ने दिए हैं। अनन्या जी, धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बता दें आपको, आज राजधानी में 170 जगहों पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। हर वार्ड में 2 कैंप्स लगाए हैं, जहां पर आप जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लगातार यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है उसमें तेजी आ रही है, और ऐसे में आज राजधानी में 170 जगहों पर टीका लगेगा।